हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि होने वाली है 11/11 पोर्टल के बारे में, जो कुछ ही दिनों में हमारी लाइफ में आने वाला है। ये एनर्जीज एक्टिवेट होने वाली हैं। बहुत दिखता है ये नंबर सभी को, तो आई बिलीव 11/11 की अपनी एक कलेक्टिव ब्रेन से भी ना एक अपनी वाइब है, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है इस नंबर के साथ। लोग जब इस नंबर को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये एंजल नंबर है, जो कि एक्चुअल में एक एंजल नंबर ही है। और ये एक इशारा है हमारे ग्रेट स्पिरिट्स का कि आप सही ट्रैक पर हैं, आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आर्कएंजल राफियल आपके साथ हैं, गैब्रियल आपके साथ हैं, राइट। सो ये जो वाइब है, मैं इसी वाइब से कनेक्ट करके आज की रीडिंग करने वाली हूँ। एंड होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी। हर बार की तरह तीन पाइल्स हैं, जिन्हें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हैं या इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस जो हैं आपको टाइम स्टैम्प से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, होपफुली आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी सभी की। मेरी बहुत अच्छी गई। दरअसल यहाँ पर हेलोवीन और दिवाली मर्ज हो गए, एक ही दिन पर आ गए। रौनक रही अच्छी खासी और बहुत सारी मिठाई खाई, और इसीलिए मैं बहुत दिनों से काम भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बस स्वीट्स खा के ना इन्जॉय कर रही थी अपनी लाइफ को। सो यस, होपफुली आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी दिवाली सभी के जीवन में आती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ दोबारा कनेक्ट करने के लिए भी, और अपना प्यार बनाए रखने के लिए भी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.shunyacreates.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बाकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, ऑलराइट लव्स, हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर वन, आज हम 11/11 ये जो पोर्टल आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसकी रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत बारीकी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो इस पोर्टल की वजह से, या आप कॉन्शियसली क्या क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी में जिसमें ये पोर्टल आपको सपोर्ट करेगा। ओके, तो इसके इर्द गिर्द बेसिकली ये आज की रीडिंग होने वाली है। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पायल नंबर वन चूज़ किया है 11/11 पोर्टल, इनकी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहा है या कौन सी अलाइनमेंट बन रही है पायल नंबर वन वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू पायल नंबर वन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, ऑल राइट, थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन इंस्पिरेशन एंड क्रिएशन। कम्युनिकेशन, यहाँ कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हालांकि डायरेक्ट मैसेज नहीं है, डायरेक्ट मैसेज जो मुझे मिला वो है थ्रोट चक्र का। आपकी बातें, आपकी जुबान, आपकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, आप जो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, आप बोल्ड हैं या शाय हैं, जो भी ढंग है आपका बातचीत करने का, ये बहुत हाईलाइट हो रहा है इस समय के दौरान। और ऐसा लग रहा है कि आपके शब्दों का बहुत प्रभाव है, ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया के ऊपर भी। पहला कार्ड डिवाइन फेमिनिन का है। डिवाइन फेमिनिन को अगर मैं टैरो की भाषा में समझाऊं तो ये एम्प्रेस का कार्ड होगा। एम्प्रेस क्रिएट करती है, और आपके लिए क्रिएशन का कीवर्ड आया है। तो ऐसा लगता है कि आप लिटरली जैसे जिंदा हो बहुत, हालांकि ये स्टेटमेंट सुनते वक्त आपको लगेगा कि जिंदा तो मैं अभी भी हूँ, बट समझिए, जिंदा माने जैसे आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत
इंस्पायरिंग हैं, बहुत क्रिएटिव मोड में हैं, आप कुछ कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, आपका जीवन जिंदा जिंदा जीवन लग रहा है, कि ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. सो यस, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कीजिए. अगर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि यस, मेरी इस पर्सन से बातचीत होगी और जो भी बातचीत होगी ये पर्सन मुझे सुनेगा, मुझे ध्यान देगा, मेरी बात को समझेगा. ये अंडरस्टैंडिंग, ये सीन, ये अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करें. क्योंकि देखिए, बाहर वही मिलेगा आपको जो आपके भीतर है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है अपने लकी वर्जन के साथ भी कनेक्ट करने का. अगर आप लक में बिलीव करते हैं या आपको लगता है कि आपकी एक लकी सेल्फ है, लकी कलर है आपका, या आपका कोई लकी नंबर है, लकी चार्म है, इन सारी ऊर्जाओं को एम्बॉडी करो क्योंकि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी. ओके, यहाँ पर रैबिट स्पिरिट है. रैबिट फिर से मुझे एम्प्रेस में ले गया. बर्डिंग के बारे में, क्रिएशन के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में ये एनर्जी है. सो कंसीव अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा टाइम पीरियड है. आप इसके साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में हैं. ओके, और ऐसा लगता है कि ये जर्नी पर निकलना आपके लिए फ्रॉग से लक को एक्टिवेट करेगा. या बच्चों के बारे में सोचना, अगर आप खुद की प्रेगनेंसी के बारे में भी इरादा नहीं है आपका, तो अमूमन बच्चों के बारे में सोचें कि बच्चों को कैसे खुशी प्रदान की जा सकती है. अगर आपको कोई एक पावर प्रदान की दे कोई, अगर तो आप उस पावर को कैसे यूज़ करोगे बच्चों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए. अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं तो उनके साथ क्रिएट करें, उनके साथ कनेक्ट करें. तो लक आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम के दौरान बढ़ेगा अगर आप बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, तो प्रेगनेंसी, कम्युनिकेशन, लक. जो लोग यहाँ पर लाइव कोच, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं और आप अमूमन अपनी बात रखते हैं, आई थिंक आप यहाँ पर नए ट्राइब को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, नए लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं. फिर चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, फिर चाहे वो आपकी बातें हो, चाहे आपकी फिलॉसफी हो, या फिर चाहे आपका कॉन्टेंट हो, इस चीज़ के लोग आपकी तरफ आकर्षित महसूस करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा. आप इंजॉय करोगे इस अटेंशन को. ओके, ये एक एनर्जी है यहाँ पर. सो यस, ये अभी तक की ऊर्जाएं हैं. लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर कोई कीवर्ड्स देते हैं, हम उन्हें क्लैरिफाई भी करेंगे. तो ये 11-11 पोर्टल के लिए वो कौन से नए शब्द हैं, वो कौन से नए वर्ड्स हैं जो मेरे पाइल नंबर 1 के कानों तक पहुँचने की ज़रूरत है. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है पाइल नंबर 1 आपके लिए. गॉड इज शी, गॉड इज शी गॉड, गॉडेसेस, सोर्स एनर्जी में पावर देना शी गॉड को कि गॉड इज शी, तो ये जो फिलॉसफी है या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बहुत पावरफुल महसूस करने में मदद करेगा. अगर आप किसी किस्म के ब्लॉकेज में हो या कोई चेन, मुझे खास करके चेन दिख रही है, जैसे बहुत सी बड़ी चेन हो जो आपके पैरों में बंधी हुई है, तो ये मेटाफॉर के रूप में है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बंदिशें बहुत हैं, आपके इर्द गिर्द नो बहुत बैठी हुई है लोगों के, कि वो कुछ भी आप बोलते हो वो नो ही आंसर देते हैं आपको. शी गॉड, गॉडेसेस को पुकारो. ओके, भगवान की जो अल्टीमेट वो छवि है उसमें शी एनर्जी का रखो, बहुत इससे आपको फ़ायदा होगा. ये एनर्जी जब आप चैनल करोगे सम हाउ, ये आपके माइंड बॉडी सोल के साथ बहुत अलाइनमेंट में है इस टाइम पीरियड के दौरान, तो आपको ये हेल्प करेगी, ये जो भी ना नुक्कड़ की एनर्जी बैठी है इससे बाहर निकलने में, इससे आगे बढ़ने में. ओके, राइट एग्रेशन, मुझे वो कह रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, राइट एग्रेशन. जो एंगर है वो राइट स्पेस से आ रहा है और राइट जगह पर लग रहा है, तो उसमें भी ये चीज़ आपकी मदद करेगी. ओके, यस, आपके इर्द गिर्द हैं इस समय बहुत सारी गॉडेसेस. लेट्स सी वो कौन सा शब्द है या कौन से वर्ड्स हैं जो पाइल नंबर 1 के कानों तक इस समय पहुंचने की ज़रूरत है. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच. सो पिंक कलर, जो पहले कार्ड का भी कलर है यहाँ पर, फिर से पुख्ता करता है. ओके, डिवाइन फेमिनिन फोर्स की एनर्जी को, ये बहुत टेंडर स्पेस है, बहुत ही पेस्टल कलर्स जो होते हैं, है ना,
यस आई थिंक इस समय इस तरफ भी अपना ध्यान लेकर जाएं कि आपका आपके फेवरेट कलर्स क्या हैं, जो आप क्रिएट कर रहे हो क्या ये कलर आपकी क्रिएशन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या ब्लॉक करते हैं। जो भी आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हो, अगर वो सेम कलर जो आपका फेवरेट कलर है आप उसमें अगर ऐड करते हो, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि मुझे किसी जगह घूमने जाना है, तो उस जगह पर अगर आप जा रहे हो और वहाँ पर जो आपका फेवरेट कलर के आपने कपड़े पहने हैं, तो वो सीन बेटर बन रहा है या फिर आप कोई और कलर ट्राई करना चाहोगे। ओके तो थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है अपनी क्रिएशन के साथ। आप बहुत पावरफुल क्रिएटिव मोड में हो इस समय, पायल नंबर वन। ओके सो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो यहाँ पर। ओके सो वी हैव कैंसर, पाइसेस और अर्थ की एनर्जी, पिंक हाई लाइट, ये इस क्रिस्टल का चेहरा दिखता है, ऐसा दिखता है क्रिस्टल। और इसके की वर्ड्स हैं सेल्फ लव, रिप्लेनिश एंड चेरिश। ओके ये तीन शब्द हैं जो इस समय आपके कानों तक ग्रेट स्पिरिट्स पहुंचाना चाहते हैं। सो लेट्स सी ये तीन शब्द ही क्यों आए हैं आपके लिए। सेल्फ लव, रिप्लेनिश एंड चेरिश से आप पाइल नंबर वन को क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू। ऑल राइट थैंक यू वेरी मच। वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंट्स एंड द जजमेंट। ओके सो आई बिलीव फाइव ऑफ सोर्ड्स से आप में थोड़ी सी टेंडेंसी है अपना ध्यान ना रखने की। ओके और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत मेजर इशू है। आई थिंक ये ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, कंसिस्टेंसी में रह पाना अमूमन आज के टाइम में बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। सो फाइव ऑफ सोर्ड्स से वो सिंपली एक हाईलाइट कर रहे हैं आपकी जीवनी के बारे में कि आपके अंदर ये टेंडेंसी है। आप कुछ दिन अपना ध्यान रखते हो लेकिन फिर कुछ होता है और आप अपना ध्यान नहीं रखते। फाइव ऑफ सोर्ड्स से एक स्पेसिफिक रीज़न ये हो सकता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर ये एक थॉट आपको बहुत बुली कर रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, हाय उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। आप बहुत इस चेन में हैं, इस कड़ी में हैं इन थॉट्स की, और ये ऊर्जा है जो मैनिफेस्ट होती है इस रूप में जहाँ पर आप अपना ध्यान रख रहे थे और फिर एकदम से छोड़ दिया। ओके सो ये नहीं करना क्योंकि अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए पांच सोर्ड्स या किंग का एक सोर्ड, ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन, अल्टीमेट लीडरशिप। हम प्रोटेक्शन की अक्सर बात करते हैं आर्कएंजल माइकल से, लेकिन अगर आपको पता हो आर्कएंजल्स के लीडर गिने जाते हैं आर्कएंजल माइकल। सो ये उन्हीं की ऊर्जा है। सो बेटर चॉइस, आई बिलीव बेटर चॉइस वो लेने को आपको बोल रहे हैं। तभी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, डिसीजन। टू ऑफ पेंटिकल्स भी चॉइस के बारे में है। ओके सो आई बिलीव ये कॉन्शियस चॉइस होगी जहाँ पर आप इस पोर्टल के दौरान खुद से कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, नो, वो मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, क्या यू नो धारणा बनाएगी, वो रख सकते हैं अपनी, वो जो भी धारणा है। मैं अपना ध्यान रखना नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा एक डिसीजन है मेरे खुद के लिए, मेरे खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए, मेरे खुद की लीडरशिप एबिलिटी के लिए। ओके सो थॉट्स को खुद को बुली मत करने दो, बेसिकली ये मेन मैसेज है आपका। जो भी थॉट्स हैं आपके लोगों से जुड़े हुए, उन थॉट्स को खुद को बुली मत करने दो। इन्फीरियर जो कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो मत अपने अंदर क्रिएट करो कि मैं कम हूँ क्योंकि मुझ में ये है, नो। ओके सो यस क्वीन ऑफ कप्स सेल्फ लव की ही एनर्जी। सेल्फ लव सिर्फ ऐसे यू नो स्किन केयर करना ये नहीं होता, सेल्फ लव एक थॉट भी हो सकता है, सिंपल एक विचार कि मैं खुद को बुली नहीं करूँगा, ना किसी को करने दूंगा। और ये थॉट्स हैं जो अक्सर हमें एक्चुअल में बुली करते हैं। ओके सो मेक अ चॉइस, बेसिकली ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। ओके नाउ लेट्स सी आपके थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स को और देखते हैं कि और आप क्या क्रिएट कर रहे हो या किन चीज़ों के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। थैंक यू। ये बहुत अच्छा समय है
कुछ भी अगर आप अपनी आंखों के लिए खरीदना चाहते हो या आंखों के डॉक्टर को आपको दिखाना है, जाना है वहाँ पर कि मुझे अपनी आईज चेक करवानी है या मुझे कोई नया चश्मा खरीदना है, कोई ब्रांडेड चश्मा खरीदना है, आई मेकअप खरीदना है, बेस्ट टाइम पीरियड। आई बिलीव ये जो भी ऊर्जा है ये या तो आपको और एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेगी या आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी या फिर ये जो भी चीज़ आप लेकर आओगे खरीद कर ये आपके लक को एक्टिवेट करेगी। ओके, सो आईज हाईलाइट हो रही हैं आपकी यहाँ पर, सो लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, लेट्स सी, थैंक यू। सो वी हैव सेंट जर्मेन वायलेट फ्लेम एल्कमी जो कि मजिशियन की और एम्प्रेस की कंबाइंड एनर्जी आप गिन सकते हैं। ओके, एल्कमी रिलीज द ओल्ड मेक वे फॉर द न्यू। सो ये प्रडिक्शन है, ये मैसेज नहीं है, ये प्रडिक्शन है। ये जो पोर्टल है ये आपके जीवन में नई चीज़ें लेकर आने वाला है। मैं देखूंगी इसको कि नई चीज़ें क्या हैं, लेकिन पहले मैसेज सुन लो। मैसेज है कि नई चीज़ें आने वाली हैं भाई, स्पेस क्रिएट करो। और स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो ओल्ड एनर्जी है, बासी ऊर्जा आपके जीवन में बैठी हुई है उसको जाने दो। अगर आपकी कोई ऐसी आदत भी है कि आप बासी फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई मेजर इशू होगा, लेकिन अगर आपका वही पैटर्न है कि आप अमूमन अपने पेट को सिर्फ बासी खाना दे रहे हैं, मत कीजिए। बैलेंस, ओके, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। माना कि कभी कभी वो फ्रेश फूड नहीं बनता, तब आपने खा लिया खा लिया, लेकिन अगर आपने इसको अपनी आदत बना लिया है इससे बाहर निकलो, क्योंकि ये ऊर्जा आपको ओल्ड एनर्जी को रिलीज करने में मदद करेगी। और फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स इस माइंड सेट में, इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने में मदद करेगी। और ये आपको चाहिए इस समय के दौरान, क्योंकि आपके जीवन में ये पोर्टल नई चीज़ें लेकर आने वाला है। एल्कमी है ये आपका काम नहीं है, ये कुदरत का काम है, यूनिवर्स का काम है। आपने अपना 50% काम कर लिया या जो ये रिलीज करोगे उससे करोगे, बाकी मिरेकल्स ब्लेसिंग ये कुदरत का काम है। ओके, सो लेट्स सी ये बेसिकली क्या है, ये नई चीज़ें कौन सी आ रही हैं इस पोर्टल के दौरान। हैवी कम्युनिकेशन, फिर से हैवी कम्युनिकेशन, इस पाइल का किसी के साथ कॉन्टेक्ट होने वाला है। जैसे ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिट बेबी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी थी, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलेटिव्स आपके दूर हैं, बात नहीं हो पा रही, परिवार को नहीं देख पा रहे, कम्युनिकेशन बहुत करीब की, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप कॉन्टेक्ट में आ रहे हो बेसिकली। ओके, ये मेन मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो मैं एक बार फिर से शफलिंग करूँगी। सो नई चीज़ें क्या हैं पाइल नंबर वन की लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर वन वाले। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस, न्यू आइडियाज, पैसा कमाने के, पैसा बनाने के, पैसा कमाने के, पैसा जो है उसे डबल करने के, ये आइडियाज, ये एल्गोरिदम आपकी तरफ फ्लो कर रहा है नदी की तरह। ओके, नए गिफ्ट्स भी हैं यहाँ पर, तो ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं या फिर आपको लिटरली कोई गिफ्ट मिल सकता है, रिसीव हो सकता है, जो आपको बहुत ब्लेस्ड महसूस करवाएगा या आपको इस थॉट में टैप इन करने में मदद करेगा कि आप कितने लव्ड हैं, आप कितने पसंद किए जाते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी शिफ्ट करने में मदद करेगा। ओके, हाई वाइब में जाने में आपकी मदद करेगा। ओके, सो नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड, मेक अ विश इनकेस आपने विश नहीं मांगी हुई, मैं आपके लिए वो पोर्टल बनती हूँ। मेक अ विश, इन केस विश ऑलरेडी मांग रखी है तो ये पोर्टल कह रहा है कि ओके, तथास्तु, तुम्हारी विश पूरी हुई, तुम्हारी विश कबूल हुई। ओके, सो यस, नाइन कप्स की एनर्जी नाइन मंथ्स के बारे में भी बात करती है। फिर से एम्प्रेस की एनर्जी, आप मुझे बार बार एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर जा रहे हो पायल नंबर वन। वो ब्यूटी है, वो वीनस की एनर्जी है, वो माँ है, वो रिलेशनशिप है, वो सारी ऊर्जाएं जो हम क्रेव करते हैं 3D रियालिटी में, रूट चक्रा जो हमारा क्रेव करता है, वो सब कुछ है एम्प्रेस के पास। एम्प्रेस के पास कहानियां हैं, किस्से हैं, जो आपके माइंड को नरिश करते हैं, आपकी सोल को पावरफुल महसूस करने में मदद करते हैं। तो आप देखिए, आप ऐसे एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। सो विशेस आपकी फुलफिल हो रही हैं। आई ऑल्सो बिलीव ये एक शिफ्ट है बिलीव से फेथ में। बिलीव और फेथ में बहुत अंतर है। ओके, फेथ ब्राह्मण स्टेट जो जिसे गिना गया है, आई कॉन्शियसनेस, वो फेथ है कि
ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो भी हो रहा है वो मेरे थ्रू ही हो रहा है। ओके, सो आई थिंक एक शिफ्ट है यहाँ पर, बिलीव और बिलीव से आप फेथ में टैप इन कर रहे हो, फेथ आपका और स्ट्रांग हो रहा है। आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी है एसेट्स आपके, यू नो, आप किन चीज़ों को ओन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब ये शब्द बोला जाए तो उसका मतलब घर घर ही है, या फिर आपके पास कैसी कैसी गाड़ी है, या एसेट्स कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, यू नो, कि मैं किन चीज़ों को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं किन चीज़ों को ओन कर चुका हूँ। ये स्पिरिचुअल चीज़ भी हो सकती है कि मैंने क्या, मैंने पेशेंस को साथ लिया है, क्या मैंने फॉरगिवनेस को साथ लिया है, क्या मैंने यहाँ पर एल्कमी को साथ लिया है, क्या मैंने अपने एंगर को साथ लिया है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये माइंड सेट आई थिंक बहुत सर्व करेगा, और ये अवेयरनेस नया गिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि ये पोर्टल आपके लिए ऐसी अवेयरनेस लेकर आ रहा है कि ओ मैं तो ऑलरेडी इतना अमीर हूँ क्योंकि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने इस चीज़ को भी प्राप्त कर लिया, यू नो। सो ऐसी वाइब है यहाँ पर। या सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस, हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात कर रहे थे। कुछ लोगों का सपना पूरा होगा किसी डिविनेशन टूल को सीखने का, या किसी स्पिरिचुअल वर्कशॉप को अटेंड करने का, ज्वाइन करने का, या फिर आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी स्पिरिचुअल टीचर को अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी है। अगर आपके हाथ में कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है तो आई थिंक इस पोर्टल पर आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स लॉन्च करने की ही एनर्जी है। सो ये भी एक गिफ्ट है कुछ लोगों के लिए। यस, वी हैव द फूल कार्ड। ओह माय गुडनेस, यूनियन, चैरियट से मूवमेंट, शिफ्ट करना है घर, इंटेंशन सेट करो, मेक अ विश। किसने बोला कि नाइन ऑफ कप से सिर्फ एक ही विश मांगी जा सकती है? किसने बोला? तो इस इंप्रेशन में क्यों हो कि नाइन ऑफ कप से मुझे बस एक ही विश मांगनी है? इनफाइनाइट विशेस हैं आपके लिए, मांगो, वो पूरी होंगी। ओके, क्योंकि अलाइनमेंट जुड़ी हुई है। सो आप डेफिनेटली नए गेस्ट, नए मेहमान भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने घर में। लिटरली कोई आपको विजिट कर सकता है, कोई आपके पास एक दो हफ्ते रहने के लिए आ सकता है। उस पूरे प्रोसेस के दौरान रिलेशनशिप और बिल्ड होगा, कम्युनिकेशंस होंगी। आपको है कि मुझे किसी नई जगह पर मूव करना है, नई कंट्री में मूव करना है, अगेन इंटेंशन सेट करो। कब होगा? टाइम लिमिट इसको प्लीज अभी के लिए जाने दो, क्योंकि फूल कार्ड है, फूल कार्ड अभी शून्यता में है। वो कह रहा है कि प्लान तो रेडी कर, सोच तो, बाकी की बातें बाद में देखेंगे, इतना दूर क्यों जाना है। ओके, तो ये उसकी बात है जो आपको वो मेरे माध्यम से पहुंचा रहा है, ये फूल कार्ड। सो इंटेंशन सेट कीजिए। ओके, या सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग यहाँ पर काम की तरक्की चाहते हैं, मेरा बॉस मुझे रिकग्नाइज करे, मेरी टीम मुझे मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें, मेरी टीम मुझे एक अच्छे लीडर के रूप में पसंद करे, एक्नॉलेज करे, लोग ऐसी बातें अपने मुख से निकालें कि ये पर्सन जो भी है ये बहुत कमाल का लीडर है, ये अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, ये प्रमोशन डिजर्व करता है, ये तरक्की डिजर्व करता है, लोग आपके लिए चीयर अप, यू नो, आपके लिए चीयर करें, आपके लिए खुश हों, आपकी जीत से खुश हों। अगर ये सारी ऊर्जाएं या ये सारी ड्रीम्स, ये सारी डिज़ायर्स हैं आपकी, आप अपने आप को इस ऊर्जा में पाओगे इस समय के दौरान, ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। पढ़ाई में आपको अच्छे अंक चाहिए, कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे इतना तो चाहिए नाज, फेम। ओके, सो सिक्स ऑफ वन से आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये बहुत मिक्स्ड इमोशंस को, या मिक्स्ड ग्रुप ऑफ जो लोग होते हैं उनको भी हमारी तरफ लेकर आती है, ग्रुप ऑफ पीपल को। सो कुछ लोग आपसे खुश होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। ओके, कुछ लोग सिर्फ दिखावा करेंगे कि ओ आई लाइक यू, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वो, भांपना सीखना। आई थिंक ये भी एक एबिलिटी है जिसे आप अनलॉक करोगे। ये चीज़ थोड़ी सी आपको अनकम्फर्टेबल कर सकती है, क्योंकि कभी कभी जो गिफ्ट्स भी होते हैं वो थोड़े से पहले हमें काटते हैं, जैसे अवेयरनेस का कि ओ अच्छा ये था मैट्रिक्स में, अच्छा ये चल रहा था, तो पहले आपको वो शॉक लगता है। तो ऐसा भी कोई सीन बन सकता है आपका, पर इट्स ओके। ओके, आप अपने अच्छे टाइम लाइन में हो, इन्जॉय करो। ओके, या क्वीन ऑफ सोल्स, पीछे किंग ऑफ सोल्स भी आया था। Be bold,
आई थिंक यहाँ पर 11-11 पोर्टल से, ओ माई गॉश, सी इस डेक में भी किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, पीछे भी किंग ऑफ सोर्ड्स आया था. सो यस, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातचीत, बोल्ड बातचीत, ऐसी बातें जो लोग अक्सर एक दूसरे से छुपाते हैं वो बातें की जाएंगी, ये ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है और ये आपको मेंटली और स्ट्रांग बनने में मदद करेगी ऊर्जा. ओके, ये ऐसी कम्युनिकेशन जो है ये आपको मेंटली और स्ट्रांग बनने में मदद करेगी. नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, सो लेट्स सी ये नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पर. सो ये नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या ये स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है या मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है? थैंक यू. ओके, आई बिलीव ये आपका कार्ड है. ओके, सो वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ते पक्के हो रहे हैं यहाँ पर तो किसी के, शादी के कार्ड छप रहे हैं कुछ लोगों के लिए, तैयारी हो रही है इस चीज़ की, या आप किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो और उस इनविटेशन की वजह से आप अपनी इमेजिनेशन में जा रहे हो और वो कह रहे हो कि ओ आई एम हैप्पी फॉर दिस पर्सन, ना इस पर्सन को ये खुशी मिली है, बट यू नो व्हाट, मैं अपने लिए भी इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो लोग आपके लिए पोर्टल बन रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है और आप उनकी खुशी से खुश होकर अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर रहे हो और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ. ओके, सो शादी प्रस्ताव, अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज, जो चाहिए मेरी जान वो है यहाँ पर. ओके, सो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर ऑफ वॉन्ड्स से आप बेसिकली रूट की ही अगेन एनर्जी है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं हैप्पी रिलेशनशिप्स की, वो आपको मिल रही हैं. ओके, कुछ लोग लैंड भी खरीद सकते हैं घर घर को बनाने के लिए, मुझे जगह दिख रही है, लैंड दिख रही है यहाँ पर. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आप कौन से एंजल हो. ओके, ये एंजल डेक है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था. सो लेट्स सी आप यहाँ पर कौन से एंजल हो, पाइल नंबर वन इस समय के दौरान. पाइल नंबर वन वाले कौन से एंजल बन रहे हैं? थैंक यू. ओह, द एंजल ऑफ ब्लेसिंग, आप तो दूसरों को भी आशीर्वाद दे रहे हो. आई थिंक ये अच्छी चीज है कि ना इस समय आपकी ये एनर्जी काम कर रही है. आप किसी को भी दुआ दोगे वो दुआ लग जाएगी. ब्लेस करो लोगों को, धरती को, जानवरों को. मुझे डॉग्स दिखे तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो आप उनको ब्लेसिंग भेज सकते हो, बच्चों को ब्लेसिंग भेजो. ओके, सो द एंजल ऑफ ब्लेसिंग, आप बेसिकली एक एंजल हो जो दूसरे को ब्लेस करता चलता जाता है और वो दुआएं लगती चली जाती हैं. ओके, सो आई एम ब्लेस्ड इन मेनी वेज एंड आई एम ब्लेस ऑल एंड आई ब्लेस ऑल दैट आई हैव. मेरे पास भी जो है मैं उसको भी ब्लेस करूँगा. तो अपनी चीज़ों को भी ब्लेस करना, अपने होम को ब्लेस करने की कोशिश करना. कुछ नई सेंटेड कैंडल्स आप खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, इंसेंस, यू नो ये सब चीज़ें. कैसे आप अपने घर को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लेस कर सकते हो, जैसे ये वाइब है यहाँ पर. ओके, और लोगों को भी ऑब्वियसली आप ब्लेस कीजिए यहाँ पर. लेट्स सी अगर यहाँ कोई फाइनल एडवाइस आती है पाइल नंबर वन. पाइल नंबर वन के लिए फाइनल एडवाइस. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर क्या कोई और मैसेज है, मैं इसको स्कैन करने की कोशिश कर रही हूँ इन केस आप मेरी आंखों को देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है. मैं कार्ड्स को स्कैन कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या कोई और मैसेज है. या सो वी हैव मास्टर मैनिफेस्टो नंबर 10, ब्यूटिफुल कार्ड. You are the I, okay? I think एक metaphor है जो ये मैंने अभी आपके साथ मैसेज शेयर किया. स्कैन क्या कर रहे हो आप? स्कैन आप देख क्या रहे हो? आप नोटिस क्या कर रहे हो? आप अपने सबकॉन्शियस को कौन सा इंप्रेशन दे रहे हो? आपका सबकॉन्शियस किन चीज़ों से इम्प्रेस हो रहा है? सबकॉन्शियस उन्हीं चीज़ों से इम्प्रेस होता है जिसमें कॉन्शियस माइंड अपना फोकस दे रहा हो. तो कॉन्शियस माइंड जहाँ फोकस देगा वही इम्प्रेशन सबकॉन्शियस के ऊपर इम्प्रिंट होगा. ओके, सो क्योंकि यहाँ पर मैसेज है मास्टर मैनिफेस्टर, ये शब्द है आपका. अपना पूरा ध्यान इस शब्द पर ले जाओ. पाइल नंबर वन, नंबर 10 कुछ लोगों के लिए, एंजल नंबर 10, या फिर अपना पूरा ध्यान
मास्टर मैनिफेस्टर, इस शब्द को इस शब्द के ऊपर ले जाओ और उसके आगे लिख दो आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम द मास्टर मैनिफेस्टर। ओके, ये चीज इम्प्रिंट होना चाहती है आपके सबकॉन्शियस के ऊपर, इसको होने दो, फायदा ही फायदा है। ओके, सो यस आई बिलीव ये आपका फाइनल मैसेज है। यहाँ पर क्रो स्पिरिट, क्रो टोटम जो कि एंसेस्टर्स के साथ हम जोड़ते हैं जिन्हें, वो आ रहे हैं। और स्पाइडर फिर से फोर ऑफ वॉन्स पे हमें ले जाती हैं, क्योंकि ये वेब को क्रिएट करना, अपना कॉस्मिक वेब, आप किन के साथ कॉन्टेक्ट में हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपके फोन में किन लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, क्यों हैं, क्या मतलब बनता है उनका, मतलब को समझना, वाई को समझना, वाई की लेयर को समझना। ओके, सो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और ये स्पाइडर और क्रो स्पिरिट उसमें भी आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, सो यस पाइल नंबर वन, ये कुछ मैसेजेस हैं जो इस समय आपके कानों तक पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे थे मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से। सो होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब मेंबरशिप भी ओपन है, हमेशा ही ओपन रहती है वैसे तो, वो ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई बंद कर सकता है, जिसकी वो एक्टिव है। अगर आप एक्स्ट्रा वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, 5 एक्स्ट्रा वीडियोस अगर चाहिए आपको, तो शून्य क्रिएट्स मेंबरशिप ऑप्शन जो है आप उसे ले सकते हैं। ओके, फिर आपको महीने की 5 एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगी। ओके, एजुकेशनल वीडियोस भी होंगी, 1 इनर इंजीनियरिंग की वीडियोस होगी और 2 टैरो कार्ड्स रीडिंग होगी। तो 2 एजुकेशनल, 1 इनर इंजीनियरिंग की और 2 टैरो रीडिंग्स। ओके, ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर इस सेशन को एंड करूँगी। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय। हाई पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 2, आज हम देखने वाले हैं कि ये जो नया पोर्टल 1111 का पोर्टल आ रहा है, जो आई थिंक सभी का फेवरेट पोर्टल भी है, तो ये पोर्टल आपके जीवन में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ आप कौन सी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में भी आ रहे हो जिसमें ये पोर्टल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली इस रीडिंग को हम करने की कोशिश करेंगे और एक बड़ी पिक्चर को क्रिएट करेंगे आपके लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, मेरे प्यारे पाइल नंबर 2 वाले लोग जो इस रीडिंग को देखने आए हैं, थैंक यू सो मच। पहले तो पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 को 1111 पोर्टल कैसे अफेक्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ें इनके साथ अलाइनमेंट में आ रही हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Enchantment, ये कैसा शब्द है जो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता हमें, राइट? इधर उधर मिल जाएगा, बट आई थिंक सबसे फेवरेट वर्ड होता है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में न्यू बिगनिंग या फिर साइकिल एंड हो रहा है, यू नो, ऐसी बातें। बट इंचांटमेंट जो कि रेयर वर्ड है सुनना टैरो रीडिंग्स में, तो आपके लिए रेयर एनर्जी आई है, यूनिक एनर्जी आई है। ओके, सो इसमें एक प्रिंसेस है रिहानन, और वो अपने हॉर्स पे बैठी हुई है और स्टार्स उसको गाइड कर रहे हैं, और बस वो बहुत जैसे इंट्रीग्ड है लाइफ को लेकर, वो बहुत इंटरेस्टेड है कि उफ़ कितना कुछ है देखने को, उफ़ कितना कुछ है एक्सपीरियंस करने को, उफ़ कितना कुछ है एक्सप्रेस करने को, वो ऐसी वाइब में है। ओके, सो यस, ये समहाउ आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2। बहुत रिच एनर्जी, बहुत यूनिक एनर्जी, पर एट द सेम टाइम बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी, जैसे बच्चों में एक उत्साह है लाइफ को देखने का, समझने का, जानने का, वो लाइफ से डरे नहीं होते, आप समझ रहे हो? तो वो एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 2। या सो वी हैव एनलाइटनमेंट, डेफिनेटली माँ सरस्वती की ऊर्जा। सो ये क्यों हो आप, या ये एनर्जी क्यों आई है आपके लिए, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि आप एक इनलाइटेंड सोल हैं। इनलाइटनमेंट से मेरा मतलब क्या है, आप अवेयर हैं इस धरती पर ये जो भी ड्रामा चलता है मोह माया का, आप इसको लेकर अवेयर हैं। पकड़ कितनी है उसकी बात मैं नहीं कर रही, कुछ दिन होंगे जिसमें आप खुद भी मोह माया में हो सकता है कि डूब रहे हों, या कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहां पर आप मोह माया को लेकर अवेयर हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ की आप अवेयर हो।
पकड़ कितनी है वो आप जानते हैं, राइट? सो बट यस, यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ हाईलाइट की जा रही है पाइल नंबर टू वाले, क्योंकि अवेयर है, इनलाइटेंड है. तो ये पोर्टल, ये पोर्टल से जैसे आप, एक होता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि ये पोर्टल मुझे क्या देगा, मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, और एक है कि मैं सिंपली ऑब्जर्व करूँ कि ये एक समय है, एक टाइम पीरियड है जिसमें कलेक्टिव में सभी लोग एक्साइटेड हैं, सभी लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, इस डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, और मैं इस ऊर्जा का पार्ट हूँ. तो इसका क्या मतलब बनता है नाज? ये अवेयरनेस करवाएगी आपसे. सो अगेन, आई थिंक मैं इससे जो मैसेज आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि आप ऑलरेडी वो हो जो लोग इस पोर्टल से पाने की कोशिश कर रहे हैं या इस पोर्टल से पहुंचने की कोशिश करेंगे. आप ऑलरेडी वहां पर हो, आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन पर हो. ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर. माँ सरस्वती अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है बुद्धि की, विद्या का दान. बच्चों को जब भी भगवान जी के साथ जोड़ा जाता है, मैं जहाँ से आती हूँ तो वहाँ पर बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको बस विद्या का दान मांगना है, क्योंकि बच्चों को और क्या चाहिए, राइट? सो वही एनर्जी है यहाँ पर. आई थिंक अगर आप कुछ मांग सकते हैं, कोई विश अपने लिए, कोई डिज़ायर, स्टार्ट करो किताबों से, स्टार्ट करो बुद्धि से, स्टार्ट करो ज्ञान से, स्टार्ट करो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से. बाकी चीज़ें वहीं से फ्लो करेंगी, बाकी आंसर्स वहीं से फ्लो करेंगे. ओके, सो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. अगर आपके इर्द गिर्द कुछ नीडी लोग हैं, बच्चे हैं जिनको आप किताबें दान कर सकते हैं, स्टेशनरी का सामान दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है उसके लिए. वक्त मिल जाए अगर आपको थोड़ा, तो सितार के साथ बैठना, सितार की ध्वनि के साथ, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, सितार को एक स्पिरिचुअल साज के रूप में देखना, एक्नॉलेज करना कि ये सितार सिर्फ कोई बॉलीवुड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल साज है, ये भक्ति में यूज़ किया जाता है, इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करना. ये बहुत बेनिफिशियल एनर्जी होगी पाइल नंबर टू आपके लिए. ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट है विजडम. यस, आई मीन तीनों कार्ड कनेक्टेड हैं आपके. सो ये 11-11 पोर्टल आपके लिए नहीं, आपके क्राउन चक्रा के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है. आपका क्राउन चक्रा, आपकी ओम की एनर्जी, आई एम की एनर्जी, द अल्टीमेट ट्रुथ, आई एम फ्री है जन्म मरण के बंधन से भी, राइट? हम यही बोलते हैं, राइट? सो बहुत बेनिफिट मिल रहा है आपके क्राउन चक्रा को इस पोर्टल के दौरान. आपकी विजडम इंक्रीज हो रही है. नॉलेज ग्रहण करना बहुत बड़ी बात नहीं है, विजडम में टैप इन करना मुश्किल है, क्योंकि विजडम यही है कि इस नॉलेज का अब मैं करूं क्या, ये मैंने सीख लिया है लेकिन अब इसे बोलना कहाँ पर है, वो विजडम है, राइट? सो आप इस माइंडसेट में जा रहे हो. आवल स्पिरिट आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, आवल स्पिरिट. आपको अपनी किसी ऐसी मेमोरी के साथ भी इस टाइम पीरियड के दौरान कनेक्ट करना चाहिए पाइल नंबर टू, जिसमें आप किसी ऐसे जानवर के बारे में सोचे बचपन में, या आपकी कोई ऐसी इमेजिनेशन रही जहाँ पर आधा धड़ किसी और जानवर का और आधा धड़ किसी और जानवर का, ये सीन को एक्टिवेट करना, इस सीन के बारे में, इस मेमोरी के बारे में सोचना, समहाउ आपके लिए कोई आंसर लेकर आएगा आपकी 3D रियलिटी की उस स्थिति के बारे में जहाँ पर आप ऐसे डोल रहे हो, किसी इनडिसाइसिव फोर्स में, इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, या आप सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना चाहते हो कि मूवमेंट और प्रोग्रेस का कार्ड है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, इस स्थिति के बारे में ये मेमोरी आपको कोई ना कोई गाइडेंस देगी. ओके, सोचो इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपको इस समय पाइल नंबर टू आपको कौन से नए वर्ड्स सुनने की ज़रूरत है, आपके कानों तक कौन से नए वर्ड्स पहुंचाना चाहते हैं ग्रेट स्पिरिट्स मेरे माध्यम से, थैंक यू. पाइल नंबर टू को कौन से नए वर्ड्स सुनने की ज़रूरत है ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू. नए शब्द पाइल नंबर टू के लिए, नए शब्द क्या हैं,
थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू. सो वी हैव रेनबो ऑब्सीडियन. ये क्रिस्टल दिखने में कुछ ऐसा दिखता है. ये आया है आपके लिए. इसके ऊपर लिखा है होप, डेप्थ एंड एवोल्यूशन. तो क्वांटम लीप की एनर्जी है. कहाँ से आए मायने नहीं रखता, कहाँ हो वो मायने रखता है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि कहाँ पहुँचोगे. ओके, पास्ट ग्रंथ के रूप में अगर उसको आप देखते हैं तो वो बेनिफिशियल है. पास्ट मदद करेगा आपकी, अगर आप उसे ग्रंथ के रूप में देख रहे हैं जो आपको डीकोड करके दे रहा है आपके पैटर्न्स को लाइफ के बारे में. लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने पास्ट को अपने सर के ऊपर हावी कर लिया तब कुछ नहीं होगा, तब बल्कि प्रॉब्लम से क्रिएट होंगी. राइट, सो आई थिंक ये पहला मैसेज तो यही है कि इस समय के दौरान जितना हो सके प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें. क्योंकि अगर प्रेजेंट अच्छा है, अगर आप सिंपली कह सकें कि इस मोमेंट में मेरे सर पर छत है, मेरी थाली में खाना है, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, तो मेरा भविष्य भी ऐसा ही है. डिक्लेयर करना, कनेक्शन जोड़ना अपनी उस फ्यूचर सेल्फ के साथ जो सिक्योर है, जो स्टेबल है, जो अबंडेंट है. ओके, कनेक्शन जोड़ना, ये एक चीज़ करनी है. तो यस, आपके वर्ड्स हैं यहाँ पर. लीब्रा इन सैटर्न की एनर्जी है ये, बाय द वे. इसके ऊपर लिखा है अगेन होप, डेप्थ, एवोल्यूशन. ओके, सो लेट्स सी ये वर्ड से वो आपको क्या बताना चाहते हैं. यहाँ पर ये शब्द क्यों आए हैं पायल नंबर टू के लिए, होप, डेप्थ, एवोल्यूशन, ये शब्द क्यों हैं पायल नंबर टू के लिए, आप क्या बताना चाहते हो पायल नंबर टू को. ओके, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर टू, एक मिस्टेक हो रही है आपके, आपसे. ओके, वो मिस्टेक को सुधार लो बस. मिस्टेक ये है कि कोई कोई चीज़ आपको खुशी देती है, आप उसे इंजॉय करते हो, अच्छी बात है, कीजिए, इंजॉय कीजिए, उस चीज़ को पाइए, उसके साथ बैठिए, जो करना है कीजिए. थ्री ऑफ कप से आप सेलिब्रेशन को चूज़ करते हो, हैप्पीनेस को चूज़ करते हो, और उसके उसको चूज़ करने के प्रोसेस में आप कुछ चीज़ों को वेलकम करते हो अपनी लाइफ में. कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब बाउंड्री नहीं सेट करते. आपने नया फ़ोन ख़रीदा, अच्छी बात है, आपने उसे यूज़ किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो फ़ोन आपके ऊपर हावी है. जो समय आपके सोने का है वो फ़ोन ने ले ली, वो टाइम फ़ोन ने ले लिया. फ़ोन आपके सिरहाने के नीचे पड़ा हुआ है, वॉशरूम में आपके साथ जा रहा है, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, खाना बैठकर फैमिली के साथ खा रहे हो, टिक 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 फोन पर हो रही है. डोंट डू इट. फोन सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कोई और भी चीज़ हो सकती है. इस चीज़ की इसके चक्कर में जो भी चीज़ को वेलकम करते हो अपनी लाइफ में, अगर कोई ये पर्सन भी है तो हद, मर्यादा, एक रेखा खींच के रखो, एक लाइन खींच के रखो कि बस ये चीज़ यहाँ तक है. आई थिंक ये मैसेज पता है किसका है, ये मैसेज है आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ का, आपकी हायर सेल्फ का. आपकी हायर सेल्फ कह रही है तुम्हारे दुखों का बहुत सारा कारण दरअसल इस लक्ष्मण रेखा को पार करना है, या इस बाउंड्री को सेट नहीं जो तुम करते हो वो है. क्योंकि टेन ऑफ वन से जो चीज़ पहले आपको खुशी देती है वही आपके जी का जंजाल बन जाती है, ये पैटर्न हो सकता है आपका. तो एवोल्यूशन का ये जो शब्द आया है वो ये है कि अब इस पैटर्न से इवॉल्व होने की बारी आ गई है बंधु. क्योंकि देखो टेन ऑफ वॉन्स एंडिंग कंप्लीशन का कार्ड है, और फिर कोर्ट कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. लिटरली ये क्वांटम जंप की बात करता है, क्योंकि यहाँ नाइट नहीं है, पेज के बाद नाइट आता है, फिर क्वीन और किंग आते हैं, लेकिन आपके लिए नाइट नहीं है. तो क्वांटम जंप की एनर्जी है, आप क्वांटम जंप कर सकते हो. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्योर मनी, सिक्योर जॉब, अब मटेरियलाइज होना आपकी डिज़ायर्स का. अब पैसे में खेल रहे हो, पैसे में हाथ चल रहे हैं आपके, पैसे गिन रहे हो, आप चेक कर रहे हो नंबर्स, ये सब चीज़ें, ये सारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज. बिल पे कर दिए लेकिन फिर भी अच्छी खासी, अच्छा खासा पैसा पड़ा है आपके लिए. ओके, ये है, इसीलिए वो कह रहे हैं होप, लेकिन इसके लिए डेप्थ लगेगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रूट्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जड़ है वो, इसीलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसीलिए डेप्थ का मैसेज है यहाँ पर. लेकिन इस डेप्थ को, इस रूट को बनने के लिए पहले अपनी उस स्थान को प्रोटेक्ट करना होगा.
जहां आपने पौधे लगा रखे वहां पर आप पैर पैरों से उस पौधों को कुचलोगे थोड़ी, आप पौधों को पनपने दोगे, उनकी जड़ों को फैलने दोगे, आप उस चीज को बाउंड्री में लेकर जाओगे। बच्चों को बोलोगे कि वहां नहीं खेलना, पौधा लगा है, आप प्रोटेक्ट करते हो ना। तो वही करना अपने जीवन के साथ, ये मैसेज है बेसिकली। बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। आपका सीधा कनेक्शन है थ्री ऑफ कप्स में, आप बह जाते हो, सी थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप बह रहे हो। आप खुशी को चूज करने के चक्कर में जिन चीजों को वेलकम कर रहे हो वो आपके जी का जंजाल बन रहे हैं। डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। बिग पोटेंशियल, पायल नंबर टू, बिग पोटेंशियल। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड, मतलब वन ऑफ द फेवरेट कार्ड जो टैरो में है मेरे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लिटरल सेंस में, जब हम इसके सिंबलिज्म को स्टडी करते हैं, अर्थ एंजल की जो डेफिनेशन है ये उसमें सारे टिक 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 को लेकर आती है। तो ये ट्रू मायने में अर्थ एंजल है, इसमें दिखावा नहीं है। ओके, सो बिग पोटेंशियल, इस मिस्टेक को सुधार लो बस। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर टू आपके लिए। थैंक यू एक्सप्रेस। ओके, सो वी हैव द ब्लू बीन्स, लाइट ट्रांसमिशन, वोन्स हील, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चार्जिंग अप। मैं बहुत छोटी थी और उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। मुझे एक्चुअल में ब्लू बीन्स विजिट करते थे, खास करके तब जब मैं थोड़ा लो महसूस कर रही हूँ अपनी 3D रियलिटी में। बहुत छोटी थी, आई थिंक 5-6 साल की उम्र में लगा लीजिए, तो मेरा ब्लू बींग्स के साथ एक कनेक्शन है बचपन से। और मैं इस कार्ड को देखकर इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपका भी कोई ना कोई बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है ब्लू बींग्स के साथ। मुझे नजर आते थे, लेकिन मुझे, क्योंकि आपको आपके पास शब्द नहीं होते, जुबान नहीं होती, आपको पता है कि ये हो रहा है और आपको समहाउ ये भी अवेयरनेस है कि शायद बाकी लोग बोलेंगे कि ये इमेजिनरी फ्रेंड है या इमेजिनरी चीज़ें हैं, बच्चे जैसे करते हैं, राइट? सो मैंने कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं की, लेकिन मुझे ब्लू बींग्स विजिट किया करते थे और वो मुझे बहुत सारा प्यार दिया करते थे जब भी मैं लो महसूस करती थी खास करके। ओके, सो यस, ब्लू बींग्स की एनर्जी है आपके लिए और वो आपको बोल रहे हैं वोंस हील्ड, जो जख्म है तुम्हारे, अगर तुम्हारा फोकस है इस समय कि मुझे इसको हील करना है, मुझे इसकी हीलिंग करनी है, मुझे इस पर काम करना है, ये थॉट अब आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये जो भी वूंड है ये हील हो चुका है, डिक्लेयर करो, मानो इस सच को। ये मैसेज है पहला जो ब्लू बींग्स आपको दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपकी तरफ आ रही है इस समय के दौरान और चार्जिंग अप, आपकी बैटरी रिचार्ज हो रही है अगर आप बहुत डाउन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी ये क्या है। ओके, ये जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू पाइल नंबर टू। ओके, सो वी हैव द होमेट। मुझे कभी होमेट से विक्टिम मेंटालिटी का मैसेज मिला नहीं, लेकिन आपके लिए मिल रहा है। जैसे किसी के कहना है मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है जहाँ पर ये रेवलेशन है कि आप कभी अकेले होते नहीं। जब आप खुद को अकेला पाते भी हैं तब भी आप अकेले होते नहीं, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऊर्जा ज़रूर है। सो आई थिंक मैसेज ये नहीं इम्पॉर्टेंट कि कौन है मेरे इर्द गिर्द, मैसेज ये इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी कितनी एक्टिव है, हर चीज़ एनर्जी है। आई थिंक ये मेन मेन पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर सब कुछ एनर्जी है तो आप कभी अकेले हुए है ही नहीं, राइट? सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है इसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि कोई भी इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ओके, और इसलिए हमें इस अकेलेपन के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देने की ज़रूरत है यहाँ पर। या ओ माय गॉश, वाओ, पाइल नंबर टू, इतनी अलाइनमेंट में है आपके कार्ड्स, पहले तीन कार्ड्स, ये कार्ड्स, ब्लू बींग का कार्ड, अब हर्मिट के बाद टू ऑफ कप्स। हर्मिट आइसोलेशन है, टू ऑफ कप्स रिलेशनशिप है। हर्मिट है कि मुझे अकेले रहना है या मैं अकेला हूं, और टू ऑफ कप्स है सिंपल अवेयरनेस, ओ मैं तो अकेला नहीं हूं, मैं तो कभी भी अकेला नहीं था, मेरे इर्द गिर्द ये लोग हैं, ये पर्सन है। सो आई थिंक ये पोर्टल आपके लिए सोलमेट एनर्जी लेकर आ रहा है, रिलेशनशिप्स लेकर आ रहा है, फ्रेंडशिप्स लेकर आ रहा है। आपकी आइसोलेशन एंड हो रही है, आप सोशलाइज ज्यादा कर पा रहे हो, आप एक्टिव हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर,
सोशल गैदरिंग्स में आप जा रहे हो, इन्विटेशंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट यस, आपका जो भी हीलर है आपके जीवन में, डॉक्टर है, हीलर है, कोई स्पिरिचुअल गाइड है, आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप और मजबूत होने वाला है। आप अपने अगर डॉक्टर, आपका कोई यू नो डेली चेकअप भी होता है आप जो हर 3 महीने में हम करते हैं, अगर ऐसा भी कोई कनेक्शन है किसी डॉक्टर के साथ, आई थिंक आपका उस डॉक्टर के ऊपर फेथ बढ़ने वाला है, विश्वास बढ़ने वाला है, आपको लगेगा कि ऐसे पर्सन एक्सपर्ट है और ये मेरी मदद कर सकता है। सो एक राहत है कि मैं अकेला नहीं, मेरे लिए गाइड है, मेरे लिए हेल्प है। इंटरनल, ये एक बहुत इंटरनल चीज़ है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बहुत राहत सी महसूस की हो, जैसे एक पर्सन अकेला है और एकदम से ऐसा लगा कि उफ मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, ऐसी वाइब है यहाँ पर। यस, वी हैव 7 of Pentacles। आई बिलीव ये 7 of Pentacles और हर्मिट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं ये दोनों कार्ड्स दिखाऊँ आपको, ये एक जैसे ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि एक मेजर आर्काना है और एक माइनर आर्काना, ये दिखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। सो जैसे मैंने आपको हर्मिट के बारे में बोला, आप उससे बाहर निकल रहे हो, वैसे ही आप 7 of Pentacles से भी बाहर निकल रहे हो। 7 of Pentacles है कोई रिजल्ट नहीं, या ये माइंड सेट कब मिलेगा, कब होगा, कब होगा, मैं इतना पेशेंस तो रख लिया, कब होगा नाज। या तो आप सिंपली इसे रिजेक्ट कर रहे हो कि यू नो व्हाट, जब होगा तब होगा, मुझे इसको नहीं अब एनर्जी को फीड करना, या आप सिंपली अपना प्लान चेंज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर यहां से रिजल्ट नहीं मिल रहे, नहीं चाहिए, दूसरा प्लान। ओके, सो यस, नए प्लान्स बन सकते हैं आपके 11-11 पोर्टल के ऊपर। ये एक एनर्जी है, ओ माय गॉश, अनदर 7 of Wands। मुझे शब्द सुना, नो मोर स्ट्रगल्स, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज को लेकर, लेट्स सी ये स्ट्रगल क्या है। पायल नंबर 2 वाले किस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं, थैंक यू, तो आपकी स्ट्रगल एंड हो रही है। ओके, ये है ओवर स्टिपुलेटेड, ये है जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन, अब पता नहीं चल रहा उस इन्फॉर्मेशन का मैं करूं क्या। ये बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को प्राप्त करना, ऐसी भूख आपके अंदर बढ़ जाए, ऐसी क्रेविंग आपके अंदर बढ़ जाए और वो आपके जीगा जंजाल बन रही है। सो स्ट्रगल है किसी किस्म की मेंटल लेवल पर, प्रोग्रेस, ओवर थिंकिंग, फास्ट रिजल्ट्स, इनको लेकर आई थिंक आप स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हो। आप एक्चुअल में इस समय के दौरान ये देखेंगे कि फास्ट हो रही हैं चीज़ें, आपका दिन कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, आपको पता नहीं चला। ओके, जैसे बहुत फास्ट एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, तो जो अभी तक आपकी इच्छा थी, आई थिंक वो चीज़ अब मैनिफेस्ट हो रही है, ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, या 10 of Cups, अल्टीमेट हैप्पीनेस, जो 2 of Cups में भी दिखती है हमें। दो लोग साथ में आए और उन्होंने एक विजन क्रिएट किया और उसे मटीरियलाइज किया, तभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, राइट? सो कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं तेरी तू मेरा, यमला जट का गाना है ये, कुछ लोगों के लिए गाना चैनल हो रहा है, मुझे पंजाबी सॉन्ग है, आई डोंट नो आप कितना समझेंगे, इनके साथ आपको पंजाबी नहीं आती है, तो यमला जट यूट्यूब कीजिएगा, मैं तेरी तू मेरा छड़ना जामी वे, ऐसा ऐसे इसके लिरिक्स हैं। ओके, सो आई थिंक ये गाना कुछ लोगों के लिए अच्छा है आपके लिए, आप सुनना, बट ये ऐसा आपकी तरफ रिलेशनशिप्स डेफिनेटली मैं आते हुए देख रही हूँ, हैप्पी रिलेशनशिप्स। ओके, आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये भी रिफ्लेक्ट करने का कि मेरा भगवान जी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, रिफ्लेक्ट करना। आप जितना सोच रहे हो आप उससे ज़्यादा करीब हो भगवान के। अगर आपको कभी कभी लगता है ना कि पता नहीं भगवान मुझसे खुश हैं या मैं सही ट्रैक पे हूँ, आप जितना सोचते हो आप उससे ज़्यादा करीब हो प्रभु के, जो भी आपके भगवान हैं बेसिकली। ओके, सो 10 of Cups से आप डेफिनेटली वो शून्यता, वो एक आकार महसूस कीजिएगा, जो कि फिर से क्राउन की ही एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्स था यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी पायल नंबर 2, आप इस समय कौन से एंजल की एनर्जी को भी एम्बॉडी कर रहे हो। ओके, लेट्स सी, थैंक यू, पायल नंबर 2 वाले कौन से एंजल की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं इस समय। The angel of integrity, in the integrity of my being, I experience and express the dance of life. Yes. आपकी योग्यता पहचानी जाएगी इस समय, क्योंकि आप इस एनर्जी को
एम्बॉडी कर रहे हो. ओके, मैं योग्य हूँ इस चीज़ को पाने के लिए, मैं योग्य हूँ इस चीज़ को करने के लिए. ये दावा होता है, कभी जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो हम दावा पेश कर रहे होते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरी योग्यता है ये. जैसे हम इंटरव्यू में भी अपने रेज्यूमे को दिखाते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है. तो ऐसी वाइब है यहाँ पर. सो आई थिंक क्योंकि आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो जो पहचान सकें कि आप एक हीरा हो, क्योंकि जौहरी को ही पहचान होती है हीरे की. तो अगर आप हीरा हो तो कोई जौहरी भी तो होगा ना, कोई उसका भी तो रोल निभाएगा. तो इस समय के दौरान आई थिंक आप किसी जौहरी जो पहचान सके आपकी पोटेंशियल को, आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, ऐसे हाव भाव हैं आपके, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं आपके, लोग देख पाएंगे कि ये लंबी रेस का घोड़ा है. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी फाइनल एडवाइस फॉर पाइल नंबर टू. पाइल नंबर टू की फाइनल एडवाइस क्या होगी? फाइल नंबर टू की फाइनल एडवाइस, क्या कोई और मैसेज है जो आप मुझे देना चाहेंगे? थैंक यू. अपॉर्चुनिटी नंबर 16, बी स्पिरिट है और वुड पैकर की एनर्जी है यहाँ पर. अगेन वो टक 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 करता है लकड़ी में, ट्री में जाकर, वो वाला बर्ड है ये बेसिकली. एंड बी स्पिरिट, आई डोंट नो, मैंने ये रिसेंटली कहाँ देखा था, पता नहीं कोई शॉर्ट वीडियो देखी या फिर पता नहीं कोई इंस्टाग्राम रील देखी, उसमें वो बता रहे थे कि जो क्वीन बी होती हैं वो 2 साल तक जीती हैं, और जो बाकी नॉर्मल बीज हैं जो उसके लिए काम कर रही हैं वो शायद कुछ दिन ही जीती हैं. पॉसिबिलिटी है कि मैं बिल्कुल रॉन्ग हूँ या मैं गलत कोट कर रही हूँ इस इन्फॉर्मेशन को, बट येस आई थिंक उस वीडियो में मैंने जो देखा उसमें था कि क्वीन बी ना बहुत इमोशनल है और वो हग कर रही है बाकी क्वींस को. वो एनिमेटेड रील थी. आई थिंक क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का वर्ड है, तो आई थिंक इससे जैसे वो कह रहे हैं कि फाइनल एडवाइस में कि अपना ध्यान लेकर जाओ पाइल नंबर टू इस चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो पाना चाहेंगे जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है. ओके, बहुत सारे लोग इस मेटाफॉर में क्या है, टाइम. बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम होगा. और इनके साथ कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर से ध्यान देना. इस टक 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 शोर की वजह से शायद आपको वो टाइम नहीं दिख रहा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. ध्यान देना, अगर आप रेस्ट कर पा रहे हो, 8 घंटे की नींद ले पा रहे हो, तो आपके पास टाइम है. बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे लोग 8 घंटे नहीं सो पाते, बहुत सारे लोग सिर्फ शायद सिर्फ 4 या 5 घंटे ही सोते हैं क्योंकि डबल शिफ्ट्स करनी है, ये करना है, वो करना है. सो अपॉर्चुनिटी से आई थिंक सिंपल अवेयरनेस है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग पाना चाहेंगे, ओन करना चाहेंगे, एक्सपीरियंस करना चाहेंगे. आई थिंक ये चीज़ आपको मिल्क एंड हनी की एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेगी, जो कि 10 of Cups की भी ऊर्जा है. बी स्पिरिट की इस एनर्जी को एम्बॉडी करना, ओके, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस ख्याल से, इस थॉट से, इस पोर्टल के दौरान. ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर टू. लाजवाब रीडिंग. ऐसी रीडिंग्स करके मुझे बहुत मज़ा आता है, होपफुली आपको देख के मज़ा आता होगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. मेंबरशिप जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, यूट्यूब मेंबरशिप एक्टिव है. अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट में विश्वास रखते हैं या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं एक क्रिएटर के रूप में भी, तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं. आपको 5 एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगी अगर आप शून्य क्रिएट्स लेवल को ज्वाइन करते हैं, जिसमें 2 एजुकेशनल वीडियोस, 2 टैरो रीडिंग्स और 1 इनर इंजीनियरिंग की वीडियो होगी जो हर महीने आपको डिलीवर की जाएगी. ओके, मेंबरशिप वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख लीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए पाइल नंबर टू. आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय. हाय पाइल थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग. तो यस, पाइल नंबर थ्री ये आपकी होने वाली है 11/11 पोर्टल की रीडिंग. कुछ ही दिनों में ये पोर्टल आने वाला है, राइट? नवंबर के महीना चल रहा है तो यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ही दिनों में. सो ये जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि इस पोर्टल के दौरान
आप कौन सी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, या फिर कैसे ये पोर्टल आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी मैनिफेस्टेशंस में, आपकी ब्लेसिंग्स में, या आपकी जो ओवरऑल रिदम है लाइफ को लेकर उसमें. ओके, तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आप इस पोर्टल के दौरान, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. पायल नंबर 3, माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो. तो जिन्होंने पायल नंबर 3 को चूज़ किया है, प्लीज़ बताएं कि ये पायल इस समय के दौरान, इस पोर्टल के दौरान कौन सी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ रहा है, ये पोर्टल उनको कैसे सपोर्ट करेगा या कर रहा है. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू पायल नंबर 3, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. All righty, let's see. We have fresh start. Okay, so आपको तो सीधा ही वो बोल रहे हैं कि भाई बंधु मेरे, ये तुम्हारा न्यू ईयर है बेसिकली, ये तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर है, ये तुम्हारा फ्रेश स्टार्ट है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रेनबो की एनर्जी है इस कार्ड में, और ये सेम रेनबो आपको 10 ऑफ कप्स में दिखता है, राइट. सो 10 ऑफ कप्स भी कंप्लीशन का ही कार्ड है, और जैसा मैंने कहा, अक्टूबर 10वां महीना और नवंबर 11वां महीना, राइट. सो ये आपका हैप्पी न्यू ईयर है बेसिकली. सो फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी, जो भी लोग यहाँ पर इस समय के दौरान, या फिर आप अमूमन कोर्ट कार्ड्स के साथ बहुत रेजोनेट करते हो, पेज हो गया, नाइट हो गया, क्वीन या किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, कोई भी किंग हो सकता है, क्वीन या किंग टैरो की जो कोर्ट कार्ड्स हैं, अगर ये कार्ड्स आपको बहुत आकर्षित करते हैं, या आप हमेशा आपको लगता है कि ये मेरा कार्ड है, अगर इस रीडिंग में ये कार्ड आया तो ये मेरी रीडिंग है, आई थिंक ये रीज़न पता है क्या है इसके पीछे रीज़न है कि आप अपनी हायर सेल्फ को बहुत जीते हो, आप अपनी ईगो सेल्फ में कम हो और आप अपनी हायर सेल्फ को बहुत जीते हो, क्योंकि टैरो में ये हायर सेल्फ की जर्नी के कार्ड होते हैं. सो यस, ये एक मैसेज है. आई डोंट नो ये क्यों आपको सुनने की ज़रूरत थी, बट यस, आप अपनी ईगो सेल्फ में कम हो और अपनी हायर सेल्फ में ज़्यादा हो, इस वजह से आपको ये कोर्ट कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, ट्रांसेंडेंस, आप कुछ ट्रांसेंड कर रहे हो, एंड वी हैव लाइट. ओके, रीबर्थ की एनर्जी है ये. फ्रेश स्टार्ट, ट्रांसेंडेंस एंड लाइट. यू नो व्हाट, मैं इनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी. इकलौता पाइल है जिसके लिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है, यहाँ से मैसेजेस नहीं मिल रहे मुझे. सो लेट्स सी, ये कांत से क्या बताना चाहते हो पायल नंबर 3 को. फ्रेश स्टार्ट किस चीज का है यहाँ पर. ओ माय गुडनेस, पायल नंबर 3 बड़े हैरान कर दिया आपने तो मुझे, मौज कर दी. ऐसे बोलते ना उस मीम में, द एम्प्रेस, आई मीन कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं, सीधा मेजर आर्काना का कार्ड, और वो भी एम्प्रेस. पाइल नंबर 1 में बहुत हैवी एनर्जी थी एम्प्रेस की. इनकेस आप पाइल नंबर 1 को देखना चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, ऑब्वियसली आप आकर्षित महसूस करें, तो वो रीडिंग भी शायद आपके लिए हो सकती है, क्योंकि उसमें पूरी रीडिंग में एम्प्रेस की एनर्जी थी. सो फ्रेश स्टार्ट में क्या है, फ्रेश स्टार्ट है आपका जो भी एक इंसान होने के नाते हमको चाहिए विजन हमारा, मेरे को ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी ब्यूटी है, ये मेरा घर है, ये मेरे रिलेशनशिप्स हैं, ये मेरी क्रिएटिव पावर है, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, फॉर्म चेंज हो रही है चीज़ों की, डेफिनेशन चेंज हो रही है चीज़ों की. आप बोलते ना कि मांगो कुछ, तो अभी तक जो मांग रहे थे, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे आप, वो शब्द चेंज हो रहे हैं, मांग रहे हो आप, लेकिन कुछ नया मांग रहे हो, तो फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, शेप चेंज हो रही है आपकी रियलिटी की, डेफिनेशन चेंज हो रही है. ये बेसिकली आपका फ्रेश स्टार्ट है जो ये पोर्टल आपको दे रहा है. ओके, एम्प्रेस बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी इनकम सोर्सेज का एकदम से आपके दिमाग में आने लगना कि ओ यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, वहाँ से भी पैसा, ये भी होगा. ओके, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव कि मैं इस चीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को अब यूज़ कैसे करूँ, क्योंकि एम्प्रेस मटीरियलाइज होने का कार्ड है. सो
ये एक एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके सो लेट्स सी ट्रांसेंडेंस से वो क्या बताना चाहते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. जल्दबाजी किस चीज़ की. आई थिंक अगर आप अपने आप को बहुत प्रेशर में रखते हो, काम के कमिटमेंट्स देनी है, नाज नहीं दी तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा, बुखार भी है तो काम कर रहे हो. प्लीज़ थोड़ी सी ग्रेस दिखाओ, थोड़ा सा खुद को पीठ थपथपाओ, इतना क्यों कष्ट दे रहे हो खुद को. तो आई थिंक ये पोर्टल के दौरान आप इस नीड को, इस इम्प्रेश, ये जो स्पेल वर्क है जिसके अंडर आप हो, आप इससे बाहर निकलोगे. आप कह रहे हो कि क्यों करता हूं मैं ये, क्यों मेरी आदत है ये प्रेशर में जीने की, क्यों मैं अपनी लाइफ में स्लो मॉर्निंग्स नहीं लेकर आ सकता. एक होता है कि सुबह आप उठे और 5 मिनट में तैयार होके बस घर से निकल गए, जल्दी जल्दी में, मूव तक भी नहीं देखा आपने अपना. और एक है कि आपकी एक स्लो मॉर्निंग है और आप उसके लिए उठ रहे हैं, आप अपनी बॉडी में वापस आ रहे हैं, आप अपने चाय या कॉफ़ी बना रहे हैं, लंच पैक कर रहे हैं, या जो भी आपका ख्याल है दिन को लेकर, स्लो मॉर्निंग्स. तो ये वो ऊर्जा है. आई थिंक ये पोर्टल आपको प्रेशर से बाहर निकाल रहा है. ओके सो वेरी गुड. पाइल नंबर 3, लाइट से देखते हैं. जजमेंट, फैमिली डायनामिक्स हाईलाइट होंगे, कोई फैमिली सीक्रेट बाहर आ सकता है. पाइल नंबर 3, पता है ये क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई चुगली है या कोई गॉसिप, ना 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 ना, ये कोई बहुत ब्लड लाइन रेवलेशन है कि मेरे खानदान में अच्छा ये भी होता था, वो अच्छा मेरे खानदान के लोग ये भी किया करते थे, अच्छा ये भी खाते थे, अच्छा ये उनका स्टाइल था. ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन, ऐसी कोई स्टाइल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी इस समय के दौरान. फैमिली डायनेमिक में, अच्छा वो हमारे घर का बंदा है तो उसको मिले क्यों नहीं हम. जैसे कभी कभी कुछ फैमिली डायनेमिक्स में ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्गों की आपस में नहीं बनती तो वो रिश्ते तोड़ देते हैं और आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं होता कि वो रिश्ता भी है. तो वो ऐसा कुछ होगा कि वो अननोन रिश्तेदार सामने आएगा कि ओ अच्छा आप हमारे रिश्तेदार हो, अभी तक तो पता ही नहीं था. ऐसा कुछ होगा. ओके सो लाइट से रेवलेशन है यहाँ पर. यस, गुप्त चीज़ें सामने आ रही हैं बेसिकली. ओके ऑल राइट, पाइल नंबर 3, लेट्स सी इस समय आपको कौन से नए वर्ड्स सुनने की ज़रूरत है, आपके कानों तक कौन से वो नए वर्ड्स पहुँचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से. सो लेट्स सी पाइल नंबर थ्री. ओके सो क्रिस्टल है ब्लू टॉपेज और इसके ऊपर लिखा है सोलर वाइटैलिटी एंड एम्पलीफाई. ओके ये क्रिस्टल दिखने में कुछ ऐसा दिखता है ब्लू कलर का. ब्लू टॉपेज इसका नाम है. तो सोलर वाइटैलिटी एंड एम्पलीफाई, ये 3 वर्ड्स हैं जो आपके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं. इसके ऊपर है सैजिटेरियस सन और जुपिटर की एनर्जी इस क्रिस्टल में. ओके सैजिटेरियस नॉर्थ नोड की एनर्जी. ओके सो एक्सपेंशन, क्योंकि जुपिटर है, सन फिर से लाइट, आप कहाँ बढ़ रहे हो. ओके पीछे नहीं आगे, आप कहाँ बढ़ रहे हो. मैस्कुलिन एनर्जी. सो लेट्स सी ये क्यों है, ये एनर्जी क्यों आई है, इन वर्ड्स से वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं. थैंक यू. पाइल नंबर 3, द एम्परर, मैस्कुलिन एनर्जी की हम बात कर रहे थे. ओके सो आई थिंक पहली चीज, ये पायल बिजनेस करने के लिए बना है, ये पायल लीड करने के लिए बना है, ये पायल प्रोड्यूस करने के लिए बना है, ये पायल अब सहारा है बहुत लोगों का, उन लोगों का जो दिशाहीन है, आप उनकी दिशा हो. जो लोग फैमिली डायनामिक्स से भी इस चीज को समझें कि यू आर द लीडर. ओके फैमिली को आप गाइड कर रहे हो, फैमिली को नहीं कुछ पता चल रहा, आप गाइड कर रहे हो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे ढंग है आपके पास. क्योंकि एम्परर स्ट्रक्चर भी लेकर आता है, इसके बड़े बड़े से वो माउंटेन्स, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, प्लान के बारे में बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. सो आई थिंक ये कार्ड बेसिकली ये बता रहा है, ये वाले जो 3 वर्ड्स हैं, अपनी बात रखने से मत डरो, समझाने से मत डरो, बातचीत करने से मत डरो. घर वाले कुछ अगर बोल रहे हैं तो कोई नया प्लान, कोई नया आइडिया, कोई नई बात उन तक पहुंचाने से मत डरो. अगर ये करियर भी है, सो एक्ट एज इफ यू आर द लीडर. अगर आप लीडरशिप पोजीशन में नहीं भी हैं,
तो एक्ट ऐसे करना, परफॉर्म ऐसे करना. ओके, सो पहला मैसेज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस. बहुत सारी पावर है यहाँ पर. एंड देन वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स. डेफिनेटली आपको पाइल वन देखना चाहिए, क्योंकि पाइल वन में ये कार्ड आया था, पहला कार्ड. सो बहुत सारी पावर है ये. उफ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं यहाँ इसको शुरू कहाँ से करूँ. ज़रूरत से ज़्यादा ही है, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक मैसेज मैं पहले ये देना चाहूँगी, थोड़ा सा बैलेंस में, थोड़ा सा बैलेंस में. अगर बोल्ड हो, बैलेंस में. रफ हो, यू नो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस में. जिसको डांट रहे हो उसको प्यार दिखाना मत भूलना. बेसिकली ये मैसेज है कि अगर किसी पर गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, या किसी को पाठ पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है. आई मीन टाइम टू टाइम हमें वो करना भी पड़ता है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में. लेकिन फिर अपनी प्रवाह, अपनी केयर दिखाने से भी डरना नहीं, पीछे मत हटना. ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है. ओके, और ये दूसरे को डैमेज भी कर सकती है फाइव ऑफ सोर्ड्स से. सो बी माइंडफुल कि कैसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, और जो भी करो बैलेंस में करो. ओके, ये चीज़ सिर्फ आपको, दूसरे को ही नहीं, आपको भी हेल्प करेगी कर्मा क्लियरिंग में. आपका कर्मा क्लियर बैलेंस से होगा. आप जितना बैलेंस में रहोगे, बैलेंस एट्रीब्यूट्स को चैनल करोगे, टैप इन करोगे, शोकेस करोगे, उससे हेल्प होगी. ओके, सो यस, ये मैसेजेस हैं आपके. नाउ लेट्स सी पाइल नंबर थ्री. थोड़े से और ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए. पाइल नंबर थ्री को और क्या जानने की ज़रूरत है? क्या कोई और मैसेज है? हनुमान जी, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ हनुमान जी की. मुझे बहुत पसंद है हनुमान जी. आई थिंक हनुमान जी की भक्ति में मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ. वो है ही ऐसे ना, इतने विशाल, फिर भी इतने हम्बल, फिर भी इतने सीधे से, भोले से. सो हनुमान जी पोर्टल की एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पर. गोल्डन लाइट, तभी पीछे लाइट की भी ऊर्जा है. आई थिंक इस समय के दौरान फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए, येलो कलर के साथ कनेक्ट कीजिए. येलो कपड़े पहनिए, नहीं है तो खरीदिए. केसर का दूध पीना शुरू कर सकते हैं कुछ लोग, चंदन लगाना, ये सब चीज़ें, यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें की जा सकती हैं यहाँ पर. यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर जाए, यू नो. सो ये ऐसी चीज़ें हैं. हनुमान जी से कनेक्ट करो. हनुमान जी आपके लिए पोर्टल हैं, वो आपके लिए रोशनी का ऐसे दरवाज़ा खोल रहे हैं. ओके, सो इसके ऊपर लिखा है, डिवोटेड वॉरियर, लेट गॉड्स लव होल्ड यू इन स्ट्रेंथ. जब भी आपको ताकत महसूस करनी है, स्ट्रेंथ महसूस करनी है, आपको लग रहा है कि मुझे कोई संभाल ले, तो परमात्मा के प्यार के बारे में सोचना कि परमात्मा कितनी फॉरगिविंग है. हम इतने पाप करते हैं मन से, तन से, लेकिन हमें हमारे लिए फिर भी फॉरगिवनेस है. जजमेंट नहीं है वहां पर, वो जज नहीं कर रहे हमको, राइट? सो ये मैसेज है यहाँ पर हनुमान जी का. लेट्स सी हनुमान जी से. वज्र योगनी, फिर से येलो एनर्जी, पाइल नंबर थ्री. लेट्स सी हनुमान जी बेसिकली और क्या रिवील करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में. ओके, सो 11-11 पोर्टल. सो वी हैव द हैंडमैन, अलग ढंग से चीजों को देखना. पता है क्या है पाइल नंबर थ्री? तुम जिसे अपना कर्स गिनकर बैठे हो, मान के बैठे हो, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित होगा एक वक्त पर. जो तुम्हें तुम्हारा श्राप लग रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम लग रहा है, एक वक्त पर जाकर वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी. ये होगा तुम्हारे साथ. ओके, तुम्हें पहला पर्सपेक्टिव वो ये दे रहे हैं कि हर चीज़ जो हमें बुरी लगे, जो हर चीज़ हमें जो विश के रूप में लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो. कभी कभी जो चीज़ें जैसे दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है, लेकिन टाइम के साथ उनका जो ट्रू नेचर है वो रिवील होता है. ट्रू नेचर रेवलेशन है. अगेन यहाँ पर वो जो हमने पीछे भी बात बोली थी, ओके, फैमिली डायनेमिक्स से, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं नहीं.
और वो अपने आप में बहुत बड़ी अवेकनिंग है. ओके, सो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल जर्नी में हो. आपकी सोल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख रही है. आपकी सोल जो लेसन सीख रही है वो ब्लड लाइन से आपकी आने वाली जनरेशन को भी हेल्प करेगी. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है राइट नाउ. इसको प्लीज एम्ब्रेस करना सीखो. ओके, ये मैसेज है यहाँ पर. या टू ऑफ कप्स, आप जो भी जिससे भी आप गुजर रहे हो या जो भी आप सीख रहे हो, वो सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं कर रहा, वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी बेनिफिट कर रहा है. सो इस पोर्टल के दौरान ये हाईलाइट होगा कि आप किन लोगों के लिए लकी हैं, आप किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं, आपकी वजह से किन लोगों का भला हुआ है, आपकी वजह से किन लोगों की तरक्की हुई है. आप नहीं होते तो ये ना होता. बहुत सारी रिवॉर्डिंग एनर्जी है ये आपके अस्तित्व को चार चांद लगाती हैं. आपको महसूस होता है कि ओ कुछ तो किया है लाइफ में, देखो ये किया है लाइफ में. ओके, सो टू ऑफ कप से बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप बहुत सारी लविंग एंड काइंड कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय के दौरान. आपको कोई अनएक्सपेक्टेड काइंड मैसेज रिसीव हो सकता है किसी पर्सन से, और ये पर्सन बहुत प्यार जताएगा, दिखाएगा, अच्छा महसूस करवाने की आपको कोशिश करेगा. ओके, ड्रॉप, ये भी एक मैसेज है. ड्रॉप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मैं कार्मिक जर्नी में हूँ, मैं इस जर्नी में हूँ. आई थिंक ये टैग्स से आप बाहर निकल रहे हो. आप कह रहे हो कि आई लाइक दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन, एंड ऑफ द स्टोरी. मुझे नहीं पता करना ये मेरा क्या है, क्या नहीं लगता. मुझे बस इतना पता है आई लाइक दिस पर्सन, मेरे को पसंद है ये पर्सन. तो जो कॉन्सेप्ट्स में हम ऐसे उलझने लगते हैं, उस उलझन से आप बाहर निकलने वाले हो. ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पर. या सो फोर ऑफ वॉन्ट्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ब्लेसिंग है. अगर आप अकेले हैं, नो कॉन्टेक्ट स्थिति में हैं, हैंग्ड मैन से बातचीत नहीं हो रही, कोल्ड शोल्डर, कोई रूठा हुआ है, कोई बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, बात बात पर ब्लॉक कर देना. मैच्योरिटी, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स मैच्योरिटी का कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है. कोई समझेगा, ये आप भी हो सकते हैं. ओके, सो रिलेशनशिप, मैरिज, इसकी ब्लेसिंग. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत की आप अगर आशा करते हैं, या आपको हमेशा रहता है कि ये पर्सन बस तंदुरुस्त रहे, इस पर्सन की तंदुरुस्ती मैं देख रही हूँ इस समय के दौरान. ये भी एक आपकी एक वन ऑफ द ब्लेसिंग्स है. ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हेल्थ की ब्लेसिंग है यहाँ पर. सेविंग्स बहुत अच्छी से आप कीजिएगा. ओ माय गॉश, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स. सो मनी की भी ब्लेसिंग है, तो आपके लिए मिक्स्ड है, घर की, रिलेशनशिप्स की, मनी की. ओके, और फूल से यहाँ पर न्यू बिगनिंग है. सो आप इन सारे एरियाज में नई बिगनिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स भी नए रोल्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है. ओके, सो कोई अपना पैसा भी आपको संभालने को दे सकता है. मनी, फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये भी एक चीज़ है यहाँ पर. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी, इस समय के दौरान आप कौन से एंजल बन रहे हो, या कौन से एंजल की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो. पाइल नंबर 3, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. आपका कार्ड है द एंजल ऑफ फॉरगिवनेस. यस, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव एवरी वन. फॉरगिवनेस इज माई फ्रीडम. फॉरगिवनेस इज माई फ्रीडम. पाइल नंबर 3, जस्ट से इट, यू नो, इसको बस बोल दो एक बार, दिल खोल के इसको, मतलब ऐसे जोर से बोल दो कि मेरी फॉरगिवनेस मेरे लिए फ्रीडम का काम करती है. जस्ट डिक्लेयर इट. ओके, सबको पता लगने दो, मैं आजाद इसलिए हूं क्योंकि मैं माफ कर पाता हूं, मैं माफी को चूज करता हूं. आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव एवरी वन. खुद को भी माफ कर दो, दूसरों को भी माफ कर दो, क्योंकि आप हो एंजल जो फॉरगिवनेस लेकर आता है बेसिकली. ओके, सो द एंजल ऑफ फॉरगिवनेस. एक राहत सी है इस कार्ड में, जैसे ऐसे बाजू से बाहें ऐसे खोली हुई हों, और जैसे कोई कह रहा हो कि आई एम नॉट स्केयर, मुझे नहीं कोई डर लग रहा, मैं क्यों डरूं, यू नो, मैं एक्साइटेड हूं लाइफ को लेकर.
क्योंकि आई बिलीव फॉरगिवनेस यही करती है. फॉरगिवनेस आपको, ये जो भी शैडोज आपको हॉन्ट करती हैं उससे आपको बाहर निकाल देती है. शैडोज नहीं रहती, फिर लाइट रह जाती है, तभी आपके लिए लाइट का कार्ड भी आया है. राइट, सो वाओ, पाइल नंबर 3, फाइनल एडवाइस. ज़रूरत तो लग नहीं रहा मेरे को कि आपको है एडवाइस की, लेकिन ले लेते हैं एक कार्ड. राइट, थैंक यू. पाइल नंबर 3, सो वी हैव प्रेयर आंसर्ड. बी स्पिरिट है यहाँ पर और बाइसन स्पिरिट है. बाइसन स्पिरिट स्पेसिफिकली हमारे लिए अबंडेंस को लेकर आते हैं. नंबर है 12, नंबर 12, प्रेयर आंसर. सो फाइनल एडवाइस आपकी क्या है? प्रे ऐसे कीजिए जैसे आप मान के बैठे हो कि ये प्रेयर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ये प्रेयर ऑलरेडी आंसर यस लेके बैठी है. प्रे करना और फिर वेट करना, डोंट डू इट. प्रे करना एंड थैंक यू बोलना. थैंक यू किस चीज का? थैंक यू, मैंने रिसीव कर लिया. यहां मैंने प्रे की, यहां मैंने रिसीव किया. ये एटीट्यूड, ये तरीका. ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग. मैं इसे यहां पर एंड करूंगी. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और यूट्यूब मेंबरशिप वीडियोस, जिसमें आपको 5 एक्स्ट्रा वीडियोस मिलती हैं. अगर आप शून्य क्रिएट्स लेवल को ज्वाइन करते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. मेंबरशिप वीडियोस में आपको 2 एक्स्ट्रा टैरो रीडिंग्स मिलती हैं, 2 आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं और 1 आपको इनर इंजीनियरिंग की वीडियो मिलती है. ओके, 500 के करीब कुछ मेंबर्स ऑलरेडी हैं हमारे, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. बट मैं इसे और इंक्रीज करना चाहूँगी और इस इंक्रीज की एनर्जी को अब मैं वेलकम करना चाहूँगी. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. पाइल नंबर 3 मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए. आप अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर, बाय.